का मौसम मुंगेली के लिए आफत लेकर आता है। इस जिले के कई गांव टापू बन जाते हैं। बारिश से पहले प्रशासन तमाम इंतजामों की बात कह रहा है। आइए जानते हैं मानसून की बारी कितनी है तैयारी। देश में मानसून के दस्तक के साथ ही मुंगेली टेंशन में है। बारिश के मौसम में बद इंतजामी यहाँ आफत लेकर आती है। जिले के दर्जनों गांव भारी बारिश से टापू में बदल जाते हैं। लोगों तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश के दिनों में अगर नदी मनियारी नदी और शिवनाथ नदी सहित छोटे बड़े नदी नाले उफान पर रहते हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन जाते हैं। बारिश ने पिछले साल यहाँ जमकर तबाही मचाई थी। नौ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों घर गिर गए थे, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे। साथ साथ कीचड़ भी थे, वहाँ मिट्टी मुरुम मुरुम डलाए पर भी कोई ध्यान तो पंचायत ध्यान देवे न तो फॉरेस्ट ध्यान नहीं दे। बहुत परेशानी जैसे बरसात में आ जाए। कतेक गाँव ऐसे हुई जिन ऐसे गाँव है? बहुत अकन गाँव है। जिला कछार से लेकर जितना जीवन मजूर है, बिसौनी सरसोहा बुरा औरा पानीपट पर है, राजक सूरही महामाई निवास खर सब ऐसे ग्रस्त रहते हैं। बरसात में बहुत दिक्कत है। अब आगे जाके निवास खर और फिर बमनी के बीच में तो मनियारी नाला है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है। जाएगा भारी बारिश होने से लोरमी इलाके में कारी डोंगरी स्थित मनियारी नदी पर बना रपटा डूब जाता है, जिससे 20 से ज्यादा गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट जाता है। इस दौरान बैगा आदिवासियों तक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं पहुँचाई जा सकती। करीबन दर्जनों गांव बहुत बाढ़ के नाम से परेशान हैं। जैसे हमन कभी भी जाता है वहाँ तो कई बार मैं खुद फंसे हुए हूँ कि नाला मन में भूकू नाला है, मन में भूकू के आगे वाले नाला में और आपके निवास खर जाता तो नदी में कई बार से फंसे ने काकरो जुरुकेल पड़ गए। वहाँ जंगल वाले मन या शहर क्षेत्र भी कहीं आना जाना है तो वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी। एक हर बार आज तक शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते। बारिश का मौसम जिले के लिए आफत ना बने, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कलेक्टर का कहना है कि जिन इलाकों में बारिश के दौरान मुश्किलें आती हैं, उन जगहों पर राशन का भंडारण कर लिया गया है। इसके साथ ही दवा और अन्य संसाधनों के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ रही है और इतने समय में जो भी किया जा सकता है वो सारी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक राशन पहुँचाना बरसात के कारण समस्या होती थी, उन सब में अग्रिम भंडारण कर लिया गया है। बरसात पूर्व राशन, चिकित्सा और आपदा से जुड़े लोगों को रेड अलर्ट पे ले लिया गया है कि जब पहले से ही कि जहां जहां कोई समस्या आ सकती है वहां की तैयारी हम पहले करें, उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार। कलेक्टर तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सड़क पुल पुलिया क्यों नहीं बनाए जा रहे? बारिश के मौसम में कई इलाके टापू बन जाते हैं, उन इलाकों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता? प्रशांत शर्मा, News18, मुंगेली। वहीं बस्तर के कई इलाकों में बारिश के मौसम में लोगों के जान पर